स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे SKMU UG सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव का सिलेबस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप SKMU UG सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री का जनरल इलेक्टिव GE आपका है, तो ये सिलेबस आप देख लीजिए। इस सिलेबस को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पूरा सिलेबस को देखेंगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा इस बार, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अति दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आएगा। तो इस जगह पर जो है आपको स्टूडेंट्स जो है ना, 100 वर्ड में लिखने के लिए आएगा। सुन लीजिए, 100 वर्ड में 5 लघु उत्तरी क्वेश्चन आएगा। ये सब लेसन, जो लेसन हम आपको दिए हैं, इस लेसन का स्टडी कर लीजिए। इस लेसन के अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं कि इम्पोर्टेंट देना संभव नहीं है, लेकिन इस लेसन से क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो आप आगे देखेंगे। और फिर आपका 4 दीर्घ उत्तरी आएगा, ठीक है, 10 मार्क्स का, और 5 5 मार्क्स का, फिर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। 3 ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। बुक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। कब से कब तक पढ़ना है? प्राचीन काल से पूर्व गुप्त युग तक, ठीक है, पढ़ना है। टाइम दिया है कब से कब तक आपको इसमें पढ़ना है। पहला लेसन है, प्राचीन भारत का इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इससे। दूसरा है लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट, प्रमुख स्थल उत्पत्ति वितरण आकारिक, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखें, हड़प्पा सभ्यता या आद सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों का प्रमुख स्थल दे सकता है। नगर निर्माण योजना के बारे में दे सकता है। आकारिक मतलब क्या होता है कि उसका आकार कैसा था, उसका नगर निर्माण योजना के बारे में आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए आ सकता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, जो आप 2 नंबर में हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, इसके नगर निर्माण योजना और इसकी विशेषताएं जरूर देख लें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलोवीरा की विशेषता और पतन, इससे आपका और 5 मार्क्स का जो लघु उत्तरी क्वेश्चन 100 वर्ड में लिखना है, ये आएगा। इसको आप कर लें, सबको देख लें, किससे आएगा कोई नहीं बोल सकता है। सेमेस्टर 1 का 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए किसी इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पड़े। ये सब लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो कैसे देखेंगे? मोहनजोदड़ो के बारे में यूट्यूब पर चले जाएं, हड़प्पा लिख दें, फिर उसके वीडियो देख लें, विशेषता और पतन। तीसरा लेसन है वैदिक सभ्यता, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म वैदिक सभ्यता से परिचित होता है। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ऋग वैदिक काल के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करें। वैदिक काल है ना, ऋग वैदिक काल के बारे में आएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करने, ठीक है, इसमें सामाजिक और आर्थिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नया धर्म आंदोलन, इसमें 2 धर्म दिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म नहीं इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी आप देख लें और उपदेश को देख लें। चौथा में जो भी आई है बौद्ध धर्म, इसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और उसके उपदेश को देख लें। पांचवा लेसन है राजनीतिक शक्ति के रूप में एक मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उदय के बारे में थोड़ा सा वीडियो देख ले और नोट्स को बना ले। 6 में है मौर्य प्रशासन में अशोक का धम्म देख ले। मौर्य साम्राज्य में क्या देखना है? अशोक का धम्म, ठीक है, और थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख ले। अशोक के धम्म के बारे में आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, इसको देख ले। अगर आपके पास नोट्स है तो ये कर ले। सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव, नेक्स्ट VBI है। मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? मौर्य प्रशासन के विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इससे। फिर उसके कुषाण वंश के बारे में आ सकता है स्टूडेंट्स, आप कुषाण वंश से कर लें। भारतीय संस्कृति को कुषाणों की देन, भारतीय संस्कृति को कुषाण लोगों ने क्या दिया, ये जरूर कर लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आप 7 का A नंबर में देख रहे हैं। कुषाण वंश जो पीला कलर से किया हुआ है, ये VBI है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसके बाद B में है कनिष्क और संतावन, संतावनों की उपलब्धियों के बारे में बताएं।
ये इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संतावनों की उपलब्धियों के बारे में बताएं। उसके बाद है मौर्यकालीन शासन प्रणाली में जो है अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, व्यापार और व्यापार मार्ग VPI है, ये बहुत लेसन, इससे आपका 5 मार्क्स का भी हो सकता है और 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। डी में देख रहे हैं कला और संस्कृति, इसको मैंने काला करना पीला करना भूल गया है, इसमें आ सकता है कला और संस्कृति में, जैसे कि संस्कृति का बहुत सारा डिवाइड किया गया है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कृति में डी में संगम युगीन संस्कृति का वर्णन करें। देखिए ई में संगम युग के संस्कृति का वर्णन करें, ई में संगम युग की संस्कृति का वर्णन करें, ये आएगा, संस्कृति कर लें आप संगम युग की संस्कृति, और समाज भी कर सकते हैं आप, संगम युग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए ना, उसका उस समय राजनीति कैसा था, राजा कैसा होता था, मंत्री कैसा होता था, किसका क्या पावर होता था, राजनीति में ही देखना है संगम युग का, समाज उस समय समाज कैसा था, कितने धर्मों में बताता था, पूजा पाठ कैसे होता था, रहन सहन कैसा था, खान पान क्या था, ये देख लीजिए, और साहित्य उस समय किताबें क्या थी, कैसे ज्ञान कैसे बांटा जाता था वो देख लीजिए, और संस्कृति उस समय रहन सहन खान पान ये सब आ जाएगा संस्कृति में। तो आपने देखा इंपॉर्टेंट, ई नंबर को मैंने ब्लैक करना भूल गया है, इसको आप जरूर कर लेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करना भूल गया है। तो स्टूडेंट्स इसको ट्रांसलेट आपका ये SKMU का सिलेबस था, जो सिलेबस से मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।